नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोज़ डोंट नो मी दिस इज़ मी अलिस राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर ड्रीम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी हेडिंग प्रेडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग के साथ साथ हम उसको बैलेंस भी करेंगे। तो मैंने इससे पहले जो था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया था, पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मुझे बहुत कुछ समझाने का था, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने जो है इसको उसके अंदर नहीं इंक्लूड किया है, पर मैं दोनों को एक साथ ही मैं जो हूँ अपलोड करूँगी अपने चैनल। तो ये मेरा फोर्थ है पार्ट। अगर आपने इससे पहले की मेरे पार्ट्स नहीं देखे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उसको मैंने एंड स्क्रीन पे दे रखा है। और अगर आपको जो है वो केमिकल रिएक्शंस कैसे बैलेंस करने हैं वो नहीं आता तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो। आपको अगर नहीं पता कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं तो मैंने 80+ केमिकल फॉर्मूलाज बना रखे हैं, आप उसकी वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो चलो अब विदाउट एनी फर्दर एडू इसमें बहुत कुछ है समझाने के लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। भाई हमारे पास है AgNO3 और MgCl2, ठीक है ना, दोनों एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ पे इससे पहले मैंने कभी भी अपने किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है वो एक्वस सॉलिड या गैसेस मेंशन नहीं किया था, पर इसमें मैं ज़रूर से करूँगी। और सॉलिबिलिटी रूल भी मैं आपको बताऊँगी, उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो, जैसे ही मेरी ये बैलेंसिंग की वीडियो ख़त्म होती है मैं वो जो है वो वीडियो बनाऊँगी, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो है। इसके अंदर बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे में हैं, सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है ना। तो चलो अब आगे शुरू कर लेते हैं। भाई हमारे पास जो है, हमारे को पता है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसके अंदर हमारे को आयंस जो है वो हमारे को जो है वो बदलने होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अब चाहे आप प्लस इधर का प्लस और इधर का क्या कहते हैं प्लस का ले लो, या इधर का माइनस इधर का माइनस, जो भी आपको जो है मतलब एक्सचेंज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैंने जो है अब मुझे पता है कि भाई मेरा ये Ag जो है वो इसके साथ आ जाएगा और ये NO3 जो है वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तो हमारे को पहले से ही पता है क्योंकि हम लोग आउटर आउटर इनर इनर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा AgCl, ठीक है, और MgNO3 है ना। और इधर के सब्सक्रिप्ट कभी भी हम इधर इस साइड के रिएक्टेंट साइड के सब्सक्रिप्ट कभी भी हम लोग प्रोडक्ट साइड में जो है वो कंटिन्यू नहीं करते। तो MgNO3 हो गया, लेकिन NO3 का तो भाई हमारे पास अगर हम लोगों को देखा जाए तो ये हमारे पास NO3 का तो नाइट्रेट का सिर्फ -1 चार्ज होता है, Mg का +2 चार्ज होता है। दैट मीन्स कि हम लोगों ने एप्रेंथिस लगाया और यहाँ पर हम लोगों ने 2 लगा दिया, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला हुआ MgNO3 का, ठीक है। लेकिन चिल्ड्रन अब इसके अंदर क्या है, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, ये अभी भी हमारा जो है वो एक्वस फॉर्म में ही है, ठीक है। लेकिन ये जो है AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है। अब मैं क्यों एक्वस एक्वस सॉलिड सॉलिड यहाँ पे खेल रही हूँ वो मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ, इस बात का अभी ध्यान से सुनो, ठीक है, वो इस एक्सप्लेनेशन के बाद आएगा, ठीक है। अब मैं अब वही चीज़ हम लोगों को सेम रिपीट करनी है, मैंने इसके साथ इसको ले लिया, इसके साथ मैंने इसको ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें जो है वो थोड़े क्या कहते हैं देख के रखना है भाई, हमारे को प्लस वाला पहले लेना है माइनस वाला बाद में लेना है ना। तो हम लोगों ने ले लिया AlSO4, है ना। तो AlSO4, लेकिन भाई SO4 का तो हमारे पास क्या होता है, SO4 का हमारा 2- होता है और Al जो होता है वो +3 चार्ज होता है ना। तो Al2SO4(3), दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग भाई इसके बाद Cl हो गया और Na हो गया। तो भाई हमारा Na तो जो है वो मेटल है और हम लोगों को मेटल प्लस रखना है जिसमें हमारा प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो Na हो गया और Cl हो गया, तो Na का +1 चार्ज होता है, Cl का -1 चार्ज होता है, ये पहले से ही बैलेंस है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है चिल्ड्रन। अब एक बात आपको चिल्ड्रन एक बात ज़रूर से ध्यान रखने वाली है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जहाँ पे रिएक्टेंट साइड को छोड़ के आपको प्रोडक्ट साइड में भी सिर्फ एक्वस ही मिले, मतलब हमारी कैटेगराइजेशन कैसे होती है, एक्वस होता है भाई सॉलिड होता है, या तो गैसियस होता है या तो लिक्विड होता है ना। तो ऐसे ही तो हम लोग एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं, अब या तो वो एक्वस होगा सॉलिड होगा गैस होगा लिक्विड होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट साइड में पहले से ही हमारे पास एक्वस है, प्रोडक्ट साइड में भी सिर्फ एक्वस ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी और तीन नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो वहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं रही है, अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री रूल यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि आप इसको ऐसे ये जो है यहाँ पे ये रिएक्शन आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यों भाई हम लोगों की ये रिएक्शन सही है, वो रिएक्शन इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे सॉलिड आ गया,
ठीक है ना, सॉलिड आ गया तो इसको हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि प्रेसिपिटेट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिजोल्व नहीं हो रहा है ना, वो अनडिजोल्वेबल है, राइट। वो डिजोल्व नहीं हो रहा तो वो कलेक्ट डाउन हो जाएगा। अगर वो कलेक्ट हो रहा है नीचे से, दैट मीन्स कि इट इज़ हैवियर देन दी वाटर, राइट। अगर वो पानी से भारी है तभी तो नीचे आ रहा है ना पानी के, है ना। तो दैट मीन्स इफ इट इज़ हैवियर देन दी वाटर एंड इट इज़ नॉट गेटिंग डिजोल्व इन दी वाटर, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रेसिपिटेट विच इज़ कलेक्टिंग एंड दैट इज अगेन अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सो दैट्स वाई अपार्ट फ्रॉम डबल डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन ऑल्सो। अब इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने इसको इसके साथ ले लिया और हमने इसको इसके साथ ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा के टू के एस ओ फोर। तो एस ओ फोर का जो है हमारे पास क्या होता है, माइनस टू चार्ज होता है, तो यहाँ पे के टू आ गया, ठीक है ना। अब एच ओ, एच ओ तो दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड है, तो वो क्या हो गया, एच टू ओ हो गया, ठीक है ना, एच टू ओ हो गया। अब ये जो है ये हमारा एक्वस फॉर्म में है और ये हमारा जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, है ना। तो ऑब्वियसली बात है लिक्विड और एक्वस दोनों अलग अलग है, तभी तो मैंने यहाँ पे कैटेगराइजेशन के अंदर लिक्विड और एक्वस को अलग रखा है ना, है ना। तो ये जो है यहाँ पे कुछ और भी फॉर्म हो रहा है अपार्ट फ्रॉम एक्वस, तो ये हमारी इक्वेशन सही है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आ जाते हैं भाई साहब, अब हमारे को मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखी है, इससे इक्वेशन ये तो मैंने आपको कुछ समझाने के लिए लिखा था कि भाई सॉलिड आ गया लिक्विड आ गया तो ये हमारी इक्वेशन सही है, ये वाली इक्वेशन हमारी नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये यहाँ पे भी एक्वस है जेटन साइड में, यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में एक्वस है। आगे जाते हैं हम लोग ये वाली इक्वेशन पर, तो ये वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है भाई, हम लोगों को यहाँ से इसको और इसको इसको करना है। तो हम लोगों ने क्या करा भाई, हमारे पास NaCl आ गया, तो ठीक है ना, यहाँ पे भी हम लोगों ने NaCl बनाया था ना, तो ये हमारा NaCl का फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है ना। अब HCO3, ठीक है ना, HCO3 ऐसे ही आ जाएगा, ये हमारा कार्बोनेट फॉर्म हो गया। तो भाई साहब जहाँ पर भी हमारे को कार्बोनेट मिल रहा है, ठीक है ना, वेर एवर वी आर गेटिंग द कार्बोनेट, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश इन बिटवीन, आई एम रियली सॉरी बट प्लीज़ डू कोऑपरेट विद मी। अच्छा, वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू इज वेर एवर वी आर गेटिंग कार्बोनेट, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एसिड, सॉरी दिस इज़ माई कार्बोनिक एसिड, दिस इज़ नॉट अ कार्बोनेट, दिस इज़ माई कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। What I wanted to tell you is कि carbonic acid never ever stays same at room temperature, ठीक है ना, never ever stays same at room temperature। मतलब जहाँ पर भी आप इसको करोगे reaction, wherever you're going to do the reaction at that time, it's not going to stay in this state, ठीक है ना। तो what, in which state it will go back to carbonic acid है, ठीक है ना, इट विल गो बैक टू H2O प्लस CO2, समझ में आया चलो, H2O प्लस CO2, मतलब मेरा यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेगा, इंस्टेड ऑफ कार्बोनिक एसिड माई रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी H2O प्लस CO2, ठीक है ना। नाउ यू नो व्हाई आई वाजंट कंटिन्यूइंग इट विद दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज देर इज सो मच टू एक्सप्लेन। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जब भी whenever देर इज अ कार्बोनिक एसिड एट दैट टाइम, दैट कार्बोनिक एसिड नेवर स्टे सेम एट द रूम टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दैट कार्बोनिक एसिड गोज बैक टू H2O एंड डिकम्पोजेस। ये इसका मतलब क्या है, इट डिकम्पोजेस, ठीक है ना, इट डिकम्पोजेस एंड गोज बैक टू H2O एंड CO2। सो दिस इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन। और आपको लग रहा है अगर ये क्या एक्वस है, क्या लिक्विड है, क्या सॉलिड है, क्या गैसियस है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू नो मैं सॉलिबिलिटी रूल्स भी आपको समझाऊंगी, ठीक है ना। आफ्टर प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एवरी केमिकल इक्वेशन, मैं आपको सॉलिबिलिटी रूल्स भी इसके बाद में लेके आने वाली हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी इजी फॉर यू। नाउ अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हमारा ऐसे है, ठीक है ना। तो MgO को तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, है ना, Mg हैज़ 2+2 चार्ज एंड वो हैज़ -2 चार्ज, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फॉर्मूला। तो अब बाकी हमारे पास क्या आ जाता है भाई, बाकी मेरे पास आ जाता है Li एंड Cl।
तो एल आई के पास भी प्लस वन चार्ज है, सी एल के पास भी वन प्लस वन चार्ज है, तो इसमें जो है कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। जहाँ तक बात रही बैलेंस करने की, तो मेरे पास सी एल टू है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो टू लगा दिया, क्योंकि एल आई ऑल्सो हैविंग सब्सक्रिप्ट ऑफ टू, सी एल ऑल्सो हैविंग सब्सक्रिप्ट ऑफ टू। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस वन। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच वी हैव डन, एंड इन दिस आई हैव टोल्ड यू फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू देर इज समथिंग कॉल्ड एक्वस सॉलिड गैसियस एंड लिक्विड, एंड इफ इट्स ऑल एक्वस इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दैट मीन्स इट्स नॉट डन, इट्स नॉट अ रिएक्शन विच यू आर एक्चुअली गेटिंग इट, देर हैज़ टू बी समथिंग एल्स विद द एक्वस, ठीक है ना। जैसे लिक्विड हो गया, नहीं तो सॉलिड हो गया, ठीक है ना। एंड इफ यू आर गेटिंग अ कार्बोनिक एसिड, दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड अगेन गोइंग टू डीकम्पोज इन टू H2O एंड CO2 which is going to be added in the product side, and this is going to be your reaction, theek hai na. And always remember your Brinkhoff, theek hai, Brinkhoff are your diatomic elements. I hope you guys are getting it. Please do like and share and subscribe my videos. This is Alice Raj and I'm signing off.